एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो ECS टिटन ड्रेसडन का आज के दिन का मैच नंबर 2 होगा, जो खेला जाएगा RC ड्रेसडन वर्सेस USC मैगडबर्ग के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में समझाऊंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। और सबसे ज़रूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मुकाबला स्टार्ट होगा 2:45 पर, सेम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा, आर्टिफिशियल विकेट है, कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर होता नहीं है। देखो पहले बात कर लेते हैं RC ड्रेसडन की टीम की। इनकी टीम का पहला मुकाबला अभी स्टार्ट हो चुका है और इनकी टीम देखो 5 में से सिर्फ 2 मैच जीती है, और इसीलिए आज का जो इनका पहला मैच है ना उस मैच में इनकी टीम ने टोटल 6 प्लेयर चेंज किए हैं। उनके स्टेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। संदीप कंबोज और विवेक चकनाकर ओपन करने चाहिए। संदीप कंबोज देखो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, आते ही शॉट्स लगाने का ट्राई करता है और उस चक्कर में आउट हो रहा है, 6-0, 5-16, 20 है। विवेक चकनाकर अच्छा कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, लास्ट के 5 मैच में इसके नाम 7 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 10-35-0, 27-32 है। गुलजार रसूल ये आज अपना पहला मैच खेल रहा है और जो अभी बैटिंग ऑर्डर आया था उसके हिसाब से 1 डाउन बैटिंग करेगा। इसके नाम आप देखो 19 T10 में 199 रन, 3 विकेट है, 10 ओवर डाल के 2022 के अंदर 5 मैच में 49 रन है, जबकि T20 2023 में 8 मैच में 136, 4 विकेट है। अब पहले मैच में अपन ये देखेंगे इसको बैटिंग 1 डाउन ही मिलती है, और दूसरी बात ये भी देखेंगे क्या इसको थोड़ी बहुत बॉलिंग मिलती है। आज़म राजपूत ये देखो पारियाँ या तो खेलता है तो बड़ी पारी खेलता है, आउट होता है, 92 नॉट आउट, 1-36, 8-15 है। शाहरुख खान भी यहाँ पर मैच खेल रहे हैं पहला वाला, और इससे पहले भी 3 मैच खेल चुके हैं, 19-0 विकेट, 11-12, 0 विकेट है, लेकिन इनको भी बॉलिंग कम मिलती है और बैटिंग नीचे करते हैं। अब्दुल्ला हकीमी इसको नंबर 6 पर मेंशन किया हुआ है, अगर ये इतना नीचे बैटिंग करेगा तो थोड़ा रिस्की रहेगा, 9 बैटिंग, 1-13, 34 नॉट आउट, 29 नॉट आउट है। बिलाल जादरान खेल रहे हैं, अच्छे बॉलर है ये, पहले मैच में 2 विकेट फिर विकेटलेस, फिर 22 रन 0 विकेट है, 18 T10 में 172, 16 विकेट है, 32 ओवर डाल के। अकमल सफ़ी भी पहला मैच खेल रहे हैं 2023 में, 7 T20 में 90 रन, 1 विकेट है, 16 ओवर डाल के। कपिल चंदानी 4 मैच में 7 विकेट है, ये अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, पावर प्ले में आते हैं। करण पाटिल भी अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं आज, 4 मैच में 2 विकेट है, T20 में 3 मैच में 3 विकेट है। एल्विन एलियास के नाम 4 मैच में 5 ओवर डाल के यहाँ पर 3 विकेट है। इनकी टीम की तरफ से देखो अभी के लिए आप पिक कर सकते हो संदीप कंबोज, विवेक चकनाकर हैं, आज़म राजपूत हैं, अब्दुल्ला हकीमी देखो अगर नंबर 6 पर ही खेलेंगे ना तो फिर आप इनको ड्रॉप करके गुलजार रसूल के साथ जा सकते हो। बिलाल जादरान अच्छे प्लेयर हैं, कपिल चंदानी अच्छे प्लेयर हैं, बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी अगर खेलता है तो आपको पता है पहले मैच में जितने चेंज हुए थे मैंने सब प्लेयर के स्टेट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे, तो बाकी अगर कोई खेलता है तो स्टेट्स मिल जाएंगे। अब बात करेंगे दूसरी टीम USCM की टीम, 5 में से 2 मुकाबले इनकी टीम जीती है, राकेश जोगी और राहुल मोवा यहाँ से ओपन करेंगे। राकेश जोगी की बात करूँ तो 14-32-22-10-27 हर मैच में इस बंदे ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। राहुल मोवा बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 5 मैच में 4 विकेट है, बल्ले से 42-14-16-6-1 है। ओम बवसार को लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिला था लेकिन कुछ खास किया नहीं है, 5-0-1-13-0 है। साई जीवांगेकर हैं देखो इसने ना पहले 4 मैच में कुछ खास किया नहीं, 3-8-11-2, लास्ट मैच में जरूर 32 किया लेकिन अभी के लिए मैं स्मॉल लीग में पिक नहीं करूँगा। हैत गांधी हैं ये देखो पहले 3 मैच में 2-2 ओवर डाला था, लास्ट के 2 मैच में 1 ओवर मिला, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्लेयर है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है, 5 मैच में इसके नाम 6 विकेट है और बल्ले से 4-4-10-2-25 नो डाउट है। विनोद बुदाती ये भी 2 ओवर की कन्फर्म बॉलिंग करवाता है, 5 मैच में इसके नाम 3 विकेट है। हर्ष थराला इसको देखो थोड़ी सी बॉलिंग यहाँ पर लास्ट के कुछ मैच में कम मिली है, लास्ट के 5 मैच में अगर आप इसके नाम देखो तो 4 ओवर डाल के विकेट कोई नहीं है, बल्ले से 18 किए हैं। साहिल सेट्टी 2 मैच खेला है, 3 विकेट है, इससे पहले भी 17 T10 में 11 विकेट है और स्पेशली T20 2023 में 8 मैच में 16 विकेट है। सपिक गुलजाई ग्रैंड लीग में काम आ सकता है क्योंकि अब तक तो 2 ही ओवर मिले हैं, लेकिन ना इसने जो 2023 में T20 खेले ना वहाँ पर 11 मैच में 24 विकेट है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। कार्तिक अली का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, जसकरण सिंह को पहले 4 मैच में 1 सिंगल बॉल डालने को नहीं मिला, लास्ट मैच में 2 ओवर डाले वहाँ पर 1 विकेट था, तो इसका बॉलिंग करवाना कन्फर्म है नहीं। अभी के लिए मैं रखूँगा राकेश जोगी, राहुल मोवा, हेत गांधी, विनोद बुदाती और साहिल सेट्टी, बाकी
बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे जसकरण सिंह, वी बुदाती, साहिल शेट्टी। डेथ में आएंगे साहिल शेट्टी, वी बुदाती, सपिक गुलजार। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है आर जोगी को, ए हकीमी को। बैटिंग सेक्शन से संदीप कंबोज, हेत गांधी, अली राजपूत और यहाँ से वी यहाँ पर चकनाकर को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से राहुल मोवा, बी जादरान को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से के चंदानी, साहिल शेट्टी और वी बुदाती को रखा है। कैप्टन राहुल मोवा, वाइस कैप्टन वी चकनाकर है। लेकिन फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।